मैं सर्वप्रथम गुरुदेव रामदास जी श्याम वो दादा गुरुदेव बाबा श्री गंगा नाथ जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। तत्पश्चात मैं सर्वप्रथम सभी विद्यार्थी वो विद्यार्थी जो पेश हुई सत्र से पास होकर आज परिणाम प्राप्त करके सत्र 24-25 में अपनी कक्षा में अग्रसर हो रहे उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देना चाहूंगा। आज भी वो विद्यार्थी जिन्होंने आज अपनी कक्षा में रैंक प्राप्त की है, चाहे प्रथम रैंक प्राप्त किए, चाहे द्वितीय रैंक प्राप्त किए या थर्ड रैंक प्राप्त किए, उन सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप गार्जियन ने विद्यार्थियों के साथ घर पर आपने अच्छा माहौल दिया जिससे कि आपके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त किया है, जिसके कारण आप बच्चों को और आप सबको सम्मानित होने का मौका मिला। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब आज सत्र पूरा हो गया है और आप परीक्षा परिणाम आपके सामने हैं और कुछ बच्चों ने रैंक प्राप्त किए, अधिकतर ने नहीं किए, इसका क्या कारण है, इसको हम थोड़ा आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब विद्यार्थियों को याद होगा, सेशन की शुरुआत सेशन 23-24 की जो शुरुआत हुई थी जुलाई महीने में, मैंने आप सबके साथ चर्चा की थी और ये आपसे कहा था कि जब आज सब सेशन शुरू हो रहा है तो आज के दिन कोई भी विद्यार्थी प्रथम स्थान नहीं है, कोई भी द्वितीय नहीं है, कोई तृतीय नहीं है, सभी विद्यार्थी समान है और ऊपर वाले भगवान ने सबको ही दिमाग बराबर दिया है। पिछले सेशन 22-23 में अगर किसी ने कुछ स्थान प्राप्त किया है या नहीं किया है तो उसको हम भूल जाना है, और सेशन जो पूरा हुआ है 23-24 उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि समय समान है, किताबें सबके पास बराबर है और जो शिक्षक है जो आपको कक्षा में पढ़ाएंगे वो भी सबको आपको बराबर पढ़ाएंगे, ऐसा मैंने आप सबको 23-24 की शुरुआत में जुलाई माह में आपको कहा था कि आप अगर सब विद्यार्थी कक्षा में ध्यान दें, ढंग से पढ़ें, जो भी कक्षा अध्यापक जी विषय अध्यापक जी आपको समझाए बात बताए उसको आप घर जाकर उसी दिन दोहरा करेंगे और नियमित प्रत्याशन करेंगे आप, तो जरूर आप सब वर्ष के अंत में जब 23-24 का अंत होगा उस दिन आप सब सम्मान परिणाम प्राप्त होंगे, सबका परिणाम बराबर होगा। परंतु फिर सेशन समाप्त होने के बाद जब आज रिजल्ट सेलिब्रेशन हो रहा है, फिर अंतर आया, कुछ बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, किसी ने द्वितीय किया, किसी ने तृतीय किया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि फिर कुछ बच्चों ने जैसा उनके विषय अध्यापक जी ने पढ़ाया उसने वैसा ही पढ़ा, घर जाकर उसका दौरान किया, नियमित उसका अध्ययन किया, इसलिए फिर उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और कुछ ने द्वितीय और कुछ ने तृतीय और अधिकतर विद्यार्थी स्थान प्राप्त करने से रहे। तो कोई बात नहीं, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा जैसा कि अभी अभिभावक जी उत्तरकाशी ने आप सबको बताया कि परिणाम कोई भी हो अंतिम नहीं होता, तो फिर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा ये 23-24 का परिणाम हुआ, अच्छा परिणाम है, सबके लिए अच्छा परिणाम है, आपके लिए अंतिम परिणाम नहीं है। अगर परिणाम अच्छा नहीं मिला तो आपको नेक्स्ट सेशन 24-25 में अच्छा परिणाम जो आपकी कक्षा है कक्षा में आपको स्थान प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। और अगर मान लिया जिसने प्राप्त किया है स्थान वो भी विद्यार्थी अपने आप को और कॉन्फिडेंस में नहीं ले जाए जिससे कि वो आने वाले सेशन में पीछे न रह जाए। अब उसके बाद अधिकतर विद्यार्थी जो नहीं पढ़ पाए उसके कई कारण है, तो सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आ रहा है वो है आज के टाइम में सोशल मीडिया ये मोबाइल। अधिकतर गार्जियन की सबकी शिकायत रहती है कि बच्चे घर पर मोबाइल का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल साफ सब सत्य है, 100% सत्य है कि आजकल समय मोबाइल युग आ गया है, मोबाइल युग में अधिकतर विद्यार्थी अपने मोबाइल मम्मी पापा के मोबाइल में अपना समय व्यस्त कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके सभी अभिभावकों के समक्ष मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग इस मोबाइल में अपना समय व्यर्थ न करें। आज जिस स्टेज में हैं आप, जिस स्टेज में हैं, उस स्टेज में मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है आपके लाइफ में, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मोबाइल को बिल्कुल त्याग दें।
मोबाइल को आपने अपने जीवन से निकाल देंगे तो आपके पास समय खूब बचेगा, समय बचेगा तो आप जो भी आपको पढ़ाया जाएगा घर जाकर उसको आप पढ़ेंगे, जो टीचर्स आपको बातें बताएंगे वो बातें आपको ध्यान में रहेंगी, जिससे कि आप आने वाले जीवन में अच्छा परिणाम प्राप्त करके अपना अच्छा करियर बना सकें। तो आप सबको जो भी मोबाइल के दुष्परिणाम प्राप्त हुआ है आप सब जानते हैं। अब मोबाइल के दुष्परिणाम के बारे में, जिस प्रकार एज बढ़ रही है, अब इसमें मैंने देखा आपको परीक्षा परिणाम जो है इसमें 23 स्टूडेंट ने रैंक प्राप्त की है। अब इनमें से मैंने देखा अधिकतर गर्ल्स ही है जो रैंक प्राप्त कर रही है, बॉयज पीछे हो रहे हैं। 23 में से 15 लड़के ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ रैंक प्राप्त किया है और मात्र 8 लड़के हैं जो रैंक प्राप्त रहे हैं। तो मैं फिर कहना चाहूंगा ये गर्ल्स जो है बहुत अच्छी बात है, अगर गर्ल्स सबके सब पढ़े और मैं कहूंगा कि अगली बार सबके सब गर्ल्स ही प्राप्त करें, फिर कहूंगा सबके सब चाहिए बॉयज ही प्राप्त करें। इस बात के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सब विद्या अध्ययन करें और विशेष यहाँ पे मैं लड़कों को सचेत करना चाहूंगा कि आप पढ़ाई में पिछड़े नहीं, आप घर जाकर मोबाइल में या इधर उधर घूमने में अपना टाइम व्यतीत न करें, पढ़ाई करें जिससे आप भी समाज में अपना अच्छा योगदान दे सके, आगे बढ़ सके। फिर अपने इस परिणाम में ये देखा मैंने कि अधिकतर कक्षाओं में रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का परीक्षा जो परिणाम है वो 99 पॉइंट पर ही खत्म हो रहा है। जैसा कि मैं उदाहरण बताऊं आपको, कक्षा 3 के 3 रैंक है, पहली बच्ची है कोमल गंगाराम की, कक्षा 4 की छात्रा है, इसका परिणाम रहा है 99.88।